हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। मैं विश्वजीत। आज का टॉपिक आईजीबीटी बेस सिंगल पीसीबी वेल्डिंग मशीन के बारे में। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है इस बोर्ड का पावर सप्लाई के बारे में। फ्रेंड, यहां पे जो आईसी लगा है एलएनके 626 पीजी आईसी है। फ्रेंड, ये 626 आईसी है, यहाँ से 623 से 626 तक चलेगा, लेकिन उसके लास्ट जो 6 डिजिट है यहाँ से एम्पियर का चेंज होता है। फ्रेंड, नहीं तो वो जो सर्किट जो डिस्कस होगा वो सेम ही रहेगा। फ्रेंड, आप इधर देख सकते हो एक चॉपर ट्रांसफार्मर लगा है जिसका टर्न रेशियो 98:21:22:13। फ्रेंड, 98 जो है अब इधर देख सकते हो ये जो टर्न है ये 98, उसके बाद जो प्राइमरी 98 और उसके प्राइमरी में जो ऑक्सिलरी कॉइल या फीडबैक के लिए जो कॉइल लगा रहता है ये 21 है, और 22 जो टर्न है वो 24 वोल्ट आउटपुट के लिए है, और इधर आप देख सकते हो 13 टर्न है ये 15 वोल्ट के आउटपुट के लिए है। फ्रेंड, पहले इस सर्किट को हम लोग देख लेते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल में देखेंगे कहाँ पे क्या चीज लगा है, कैसे काम होता है। फ्रेंड, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मेन कैपेसिटर से लाइन होके इधर आके इधर एक सॉल्डरिंग में सोल्डरिंग किया है। इधर आप देख सकते हो ये नेगेटिव है, ये सोर्स के साथ आईसी का सोर्स के साथ जुड़ा है, और एक पॉजिटिव इधर से आके इधर लाइन में सोल्डरिंग करके जम्पर दे के इधर से काम हो रहा है। फ्रेंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर से घूम के इस चॉपर ट्रांसफार्मर में 98 टर्न होके घूम के आके इस आईसी का 4 नंबर पिन ड्रेन में वोल्टेज इन हो रहा है। फ्रेंड, इस आईसी का अंदर इस आईसी को इंटरनली काम करने के लिए इस आईसी का अंदर एक रेगुलेटर लगा है जिसका नॉर्मल वोल्टेज है 6.2 वोल्ट, और इस आईसी को फीडबैक कंट्रोल करने के लिए एक ओपेम लगा है जो एक नंबर पिन के साथ जुड़ा है, जो पॉजिटिव इनपुट है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट किया है, और इस आईसी का अंदर एक ऑसिलेटर लगा है। सब इंटरनली फंक्शन किया है, बाहर से कुछ करना नहीं है, बाहर से सिर्फ इसको फीडबैक में को कंट्रोल करने से इसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में चेंजेस होगा, इसका आउटपुट चेंज होगा। तो फ्रेंड, देखते हैं कैसे काम करता है। तो इधर से आ गया, उसके बाद इधर इस यहाँ पे जो 2 नंबर पिन लगा है इस आईसी का, इसका बाईपास कैपेसिटर है, मतलब इसका इंटरनल जो रेगुलेटर लगा है उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से कैपेसिटर दिया है। तो फ्रेंड, क्या होता है अगर इधर से इस चौपार से लाइन सीरीज करके इसका 4 नंबर ड्रेन में पावर दे देंगे, और इसका 5, 6, 7, 8 सोर्स है, इस सोर्स में नेगेटिव दे देंगे, तो इधर 2 नंबर पिन में बाईपास कैपेसिटर लगा देंगे, 1 नंबर पिन को छोड़ देंगे, तो क्या होगा इस आईसी फुल फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग कर देगा। स्विचिंग करने के बाद इधर वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा, लेकिन स्विच ज्यादा आउटपुट हो जाएगा स्विचिंग करते रहेगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, इस 1 नंबर पिन में एक ये तो कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स में लगा है, इसका जो 21 टर्न है यहाँ पे एक नंबर एक साइड देख सकते हो एक सोर्स के साथ जुड़ा है, दूसरा साइड से पॉजिटिव लेके एक 43 के का रेजिस्टेंस, उसके बाद 10 ओम्स का रेजिस्टेंस देके यहाँ से 5.6 के का रेजिस्टेंस देके एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना के इधर से 1 नंबर पिन में एंड कर दिया। मतलब पहले क्या होगा, पहले 1 नंबर पिन में 0 वोल्टेज है क्योंकि ये स्विचिंग नहीं किया, तो इसका इंटरनल सर्किट की वजह से पहले हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग कर देगा, उसके बाद जब वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा तो यहाँ पे फीडबैक दे देगा, कॉम्पनसेशन दे देगा, उसके बाद से इसका स्विचिंग को डाउन कर देगा, ऐसे काम करेगा। फ्रेंड, इधर देख सकते हो एक डायोड और रेजिस्टेंस कैपेसिटर देके एक सर्किट बना है, इसको क्लैंप सर्किट बोलते हैं, क्योंकि जब स्विचिंग होता है तो इस ट्रांसफार्मर में भी एक सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, इस वोल्टेज इंड्यूस्ड इस जगह में 680 वोल्ट से भी ऊपर कर देगा, क्योंकि इस यहाँ पे 680 वोल्ट से ऊपर जब रिवर्स बायस में आ जाएगा तो ये आईसी खराब हो जाएगा, इस वजह से इसको इस वोल्टेज को क्लोज सर्किट में डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे 3 33 के रेजिस्टेंस और डायोड देके एक सर्किट बना के इस वोल्टेज को सर्कुलेटिंग कर दे रहा है।
फ्रेंड इधर देख सकते हो दो डायोड FR डायोड फास्ट रिकवरी डायोड देके एक 24 वोल्ट रिले को और फैन में चला गया और 15 वोल्ट इधर चला गया। फ्रेंड इधर इस सर्किट को देख चला गया। फ्रेंड हम लोग कंपोनेंट इधर चेक कर लेते हैं। देखिए जो IC है इधर यह IC लगा है। उसके बाद अब देखिए चॉपर ट्रांसफार्मर ये है, ये जो क्लैम सर्किट बोल रहा हूँ। फ्रेंड इधर देखिए इधर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है 102/2 के कैपेसिटर लगा है। उसके बाद फ्रेंड आप इधर देख सकते हो 333K का रेजिस्टेंस लगा है। इधर देखिए 1, 2, 3 33K का रेजिस्टेंस लगा है और एक डायोड लगा है, तो ये क्लैम्प सर्किट इधर काम कर रहा है। फ्रेंड इधर देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना के एक नंबर पिन में फीडबैक जा रहा है। फ्रेंड देखिए इधर जो रेजिस्टेंस लगा है ये 43K का है। उसके बाद 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। उसके बाद वहाँ से आके एक नंबर पिन में चला गया और फीडबैक के लिए, और एक नंबर पिन से 5.6K के करके एक सोर्स के साथ जुड़ गया। फ्रेंड देख सकते हो और इधर एक कैपेसिटर लगा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कैपेसिटर इधर 2 नंबर पिन से सोर्स के साथ दिया है। फ्रेंड यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर फूट जाएगा तो आप लोग क्या है ना, ये IC जब बर्न होते खराब हो जाता है तो ये सब रेजिस्टेंस जल जाता है, ये रेजिस्टेंस जल जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो बनाने का ये सब एक ही मतलब है, आप लोग IC तो लगा देंगे लेकिन ये रेजिस्टेंस और डायोड जल जाता है, इस वजह से आप लोग बना नहीं पाते हो, सही नहीं कर पाते हो। इसलिए फ्रेंड ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है इसको देख के आप इधर रेजिस्टेंस लगा सकते हो, और कैपेसिटर जल जाएगा तो कैपेसिटर नहीं मिलेगा तो क्या करना है, आप इधर एक इलेक्ट्रोलाइट 1 mAh 50 वोल्ट का कैपेसिटर ऊपर से लगा देने से काम चलेगा। फ्रेंड इधर देख सकते हो डायोड है, FR डायोड इधर लगा है। फ्रेंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है टोटल डेड कंडीशन में हो सकता है, पावर आउटपुट नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में आप इधर डायोड देख के आप डायोड ऐसे करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है तो आप इधर में देख के ऊपर से ऐसे चेक कर सकते हो डायोड को। देखिए रीडिंग दे रहा है, इधर से रीडिंग दे रहा है, ये डायोड सही है, और इधर भी देख सकते हो। अगर इधर शॉर्ट होगा तो आउटपुट नहीं देगा, ये पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस सब मेजर कर लीजिएगा, और अगर क्या होगा डेड कंडीशन में हो सकता है, ये IC खराब हो सकता है, और एक क्या हो सकता है वोल्टेज बन रहा है छोड़ रहा है, तो इधर आउटपुट में लोड हो रहा है क्या चेक करना है, ये स्नैपर सर्किट को देखना है, क्लैम सर्किट को देखना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिसिंग है कि नहीं, और क्योंकि ये अगर ये सर्किट नहीं काम करेगा तो कोर सैचुरेशन हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा, मतलब होगा बंद होगा ऐसे होगा। और एक हो सकता है ये दोनों एक नंबर पिन में जो AC फीडबैक है इसने यहाँ पे फीडबैक में कुछ डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे हो सकता है। फ्रेंड ये सिंपल एक सर्किट है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगा। और अगर आप और भी ऐसे पावर IC के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है, क्या स्टडी करना है, आप IC का फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए, मैं उसका सैंपल बना के आप लोगों को सर्किट डिस्क्राइब कर दूंगा कैसे काम करता है। अगर रेजिस्टेंस बांध भी हो जाएगा तो अप्रोक्स वैल्यू लगा के IC को सर्किट को रन कैसे करना है अगर जानना है तो प्लीज़ मेरे को इस IC का फोटो खींच के सेंड कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। फ्रेंड अगर इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग ओरिएंटेड वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।